अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 बड़े बड़े टमाटर जो कि पके हुए हैं। इस चटनी को बनाने के लिए हमें पके हुए टमाटर लेना चाहिए, क्योंकि इसे कच्चे टमाटर से अगर हम बनाएंगे तो चटनी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। इस चटनी को आप जो है 2 महीने तक का स्टोर भी कर सकते हैं, और जैसे ज़रूरत पड़ेगी आप इसे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं कम क्वांटिटी में चटनी बना रही हूँ, इसलिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम टमाटरों को बॉईल करेंगे और इसकी स्किन निकाल लेंगे। तो इसे हम सबसे पहले बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है एक पानी कंटेनर में ले लिया है। जो पानी का जो लेवल है वो हमें इतना रखना है जो कि ये टमाटर जो है उसके अंदर डूब जाए, और इसे हम बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पर जो है मैं गैस ऑन कर देती हूँ। प्लीज़ साउंड अवॉइड करिए, क्योंकि ये मेरा इलेक्ट्रिक गैस है, इसलिए इसका थोड़ा सा साउंड आएगा, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। तो अब जो है हम टमाटर को बॉईल होने देंगे मीडियम फ्लेम पे, और इसे बॉईल होने के लिए हम कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कवर कर देती हूँ और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देती हूँ। इसकी स्किन निकलने तक का हमें इसे बॉईल करना है। तो यहाँ पे जो हमने टमाटर है उसकी स्किन को निकाल लिया है, ठंडा हो चुका है पूरी तरह से। अब हम इसको चॉप करके ग्राइंडर में डाल के इसे बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो टमाटर है उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ये इसी में ही हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं कि अच्छा ये पेस्ट बन गया है। अब जो है हम हमारी चटनी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले लिया है, उसमें डाला है 1.5 टेबल स्पून ऑयल, और इसे मीडियम फ्लेम पे हीट होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 3/4 टीस्पून राई, 3 से 4 कड़ी पत्ते, 1/4 चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और 1/4 की हुई हरी मिर्चें। ये जो है लहसुन जो है वो 3:2:1 के रेशियो में हमने इसको लिया है, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। बनने के बाद हम इसे थोड़ा सॉटे करेंगे एक बार, एकदम लाल नहीं करना है, बस इसे हल्का सा सॉटे करना है। अब ये जो सॉटे हो गया, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी साइज की प्याज ली थी, उसको एकदम फाइनली बारीक चॉप कर लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसे हम चलाएंगे और इसे थोड़ा सा ब्राउन, लाइट ब्राउन होने तक का इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये प्याज है ये हल्की लाइट ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ पाउडर स्पाइसेस। तो पाउडर स्पाइसेस डालने के लिए हम जो फ्लेम को है एकदम स्लो कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून स्पाइसी वाला लाल मिर्ची पाउडर, और ये 1/2 टीस्पून जो है ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा चटनी का। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, और अब हम इसे चलाएंगे। अगर आपका मसाला नीचे लगने लगे तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, और इसे हम ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होने के लिए छोड़ देंगे स्लो फ्लेम पे ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये मसाला है इसने ऑयल सेपरेट कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने बनाया था, तो ये सारा पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो ये हमने इसे डाल दिया, अब हम इसे मिक्स करेंगे। और फ्लेम को हम स्लो पे रखे थे, तो अब इसे हम मीडियम फ्लेम कर देंगे।
ये स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक यहाँ मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, आधा टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो नमक डाल के हम इसे चलाएंगे और इसके अंदर जो टमाटर जो हमने पीसा था, इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर है, तो इसका पानी सूखने तक का हम इसे पकाएंगे। हम इसे स्लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे तब तक का जब तक का इसका जो तेल है वो सेपरेट ना हो जाए और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। मैं बीच में एक बार आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं ये टमाटर है, इसने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, बट ये अभी भी इसके अंदर बहुत पानी है, तो हम इसे तेल छोड़ने तक का पकाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे चेक करते हैं, आप देख सकते हैं जो ये टमाटर था इसका पानी पूरा अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये चटनी ने अपना तेल जो है वो सेपरेट कर दिया है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़। तो यहाँ पे ये मेरे पास गुड़ का पाउडर है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गुड़। ये चटनी जो है खट्टी मिट्टी सी, ये गुड़ डालने की वजह से बहुत अच्छी लगती है। तो ये ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा स्टर करेंगे। अगर आप इसे स्टोर करना चाहें तो इस स्टेज पे आपको इसके अंदर ऐड करना होगा 2 टीस्पून तेल और इसे अच्छे से थोड़ा हीट करने के बाद इसके अंदर आपको 1 चम्मच वेनेगर डालकर इसे बॉटल में डालकर ठंडा होने के बाद फ्रिज में स्टोर कर देना। तो यहाँ पे हमने गुड़ जो है वो अच्छे से डाल के इसको फ्राई कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया। अगर आप इसे स्टोर करेंगे तो इसमें धनिया अवॉइड करना, मैं इसे इंस्टेंटली यूज़ करने वाली हूँ इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम धनिया बारीक कटा हुआ, फ्लेम को हाई करेंगे और जस्ट इसे 10 सेकेंड के लिए स्टर करके इसे हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम फ्लेम को बंद करेंगे। तो तैयार है हमारी खट्टी मिट्टी सी टमाटर की चटनी।